हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू विल फिट एंड फाइन एंड विल बी एंजॉयिंग विल बी लर्निंग अलॉट फ्रॉम योर ऑन यूट्यूब करियर लॉन्चर एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास में आपका स्वागत है, जिस क्लास में हम बहुत ही एक अहम मुद्दे के ऊपर, बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस पर हम बात करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट्स को आती है वो आती है वोकैब की। अगर इंग्लिश में वोकैब आपकी अच्छी है, वोकैब आपके पास बहुत अच्छी है, पकड़ आपकी अच्छी, शब्दों के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है, तो आपके लिए ना ही इंग्लिश लिखना, ना ही इंग्लिश को आपको पढ़ना और ना ही इंग्लिश को बोलना मुश्किल होगा। जो द मेजर प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स इज दिस, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द गिवन वर्ड। और स्टूडेंट्स, हम वोकैब को क्या करते हैं, वोकैब को कुछ बच्चे सीखने का तरीका रखते क्या है कि हम कुछ शब्दों को याद करने की, रखने की कोशिश करते हैं, मगिंग अप करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही मतलब या कह सके अननेचुरल सा तरीका है, बहुत ही अप्राकृतिक तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। बहुत सारी आप कोशिशें करते हैं, कर भी सकते हैं, जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली इंग्लिश में कुछ लिखना और डेली हर रोज़ कुछ नए शब्दों को अपने सेंटेंसेस में उसको यूज़ करना, दे आर वेरी हेल्पफुल। बाई डूइंग सो यू कैन इम्प्रूव ऑल द स्किल्स ऑफ योर लैंग्वेज, लाइक एज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बाहर के शब्दों को सीखने से पहले अगर हमें शब्दों का निर्माण करना आ जाए, हम एक शब्द जो हम जानते हैं, एक वर्ड को जो हम जानते हैं जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, उसी वर्ड से हमें कोई दूसरा वर्ड बनाना आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश के अंदर नए वर्ड की फॉर्मेशन की जाती है या आप भी कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट देखिएगा, हम बात करते हैं पहले हम किस तरीके से आप हम सीखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं किसके द्वारा, पहला हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स अफिक्स। एक मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अफिक्स, जो सो नए वर्ड की बनावट के लिए, बनाने के लिए आपको अफिक्स तो जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अफिक्स क्या होता है आप कह सकते हैं, या अफिक्स क्या हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है, जिसको हम सिलेबल भी बोल सकते हैं, एक ऐसा क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा लिख ही लेते हैं स्टूडेंट्स, अ लेटर, ओके, और अ ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर ऑल्सो नोन एज सिलेबल। ओके स्टूडेंट्स, एडिड विद रूट वर्ड इज कॉल्ड अफिक्स। स्टूडेंट्स, आप जान लेते हैं कि अफिक्स होता क्या है, पहले अफिक्स को जाने स्टूडेंट्स। हमारे पास देखिए, इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं सभी का रूट वर्ड है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पैदा हुए हैं, ओरिजिन हुआ है। रूट वर्ड से आप क्या समझते हैं कि वो शब्द का छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके आगे क्या फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, अर्थात अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो कोई भी मीनिंगफुल यूनिट आपके पास बचती नहीं है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट रूट वर्ड। और रूट वर्ड के साथ स्टूडेंट्स कुछ एक लेटर का यूज़ करना, कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स का यूज़ करना जिसको हम सिलेबल भी कहते हैं, उनको ऐड कर देना क्या कहलाता है, उसी को हम कहते हैं अफिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अफिक्स। अफिक्स का मतलब जोड़ना, चिपकाना। तो स्टूडेंट्स अफिक्स क्या है, वो एक कह सकते हैं आप क्या करते हैं, एक आप लेटर का मतलब समूह कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं उसको, क्या है, एक लेटर का समूह कह सकते हैं, एक लेटर कह सकते हैं, यानी कि एक वर्ण या वर्णों के समूह को जिसको हम सिलेबल कहते हैं, उसको किसी भी रूट वर्ड के आगे या पीछे जोड़ करके स्टूडेंट्स हम कुछ नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। लाइक एज आप एक एग्जांपल देती है स्टूडेंट्स, आपके पास एक वर्ड है ब्यूटी, आपके पास एक रूट वर्ड है ब्यूटी, आपने बहुत बार सुना होगा ब्यूटी, जो कि एक नाउन है, जो कि क्या है स्टूडेंट, मैं साथ में ये जानकारी भी दे दूं क्या एक नाउन है, और कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। क्या आप इस वर्ड से, इस रूट वर्ड से और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नया कोई शब्द बना सकते हैं? डेफिनेटली। जब स्टूडेंट्स हम ब्यूटी जो वर्ड है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, एक हम शब्द को यानी
यानी कि एक हमारे पास एक शब्द है या आप जैसे कह लें कि एक सिलेबल है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये तो एक शब्द ही है। तो आप इसको जोड़ करके एक नया वर्ड यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से अगर आप देखें तो एक नया वर्ड आपके पास आ जाएगा, वो बनेगा, आपने खूब इसको सुना है, वो बन जाएगा ब्यूटीफुल और फुल का जो एक एल डिडक्ट हो जाएगा और एक नया वर्ड हमारे पास आ गया है ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से इसी से और क्या बना सकते हैं, और देखिएगा इसी के बाद अगर हम एक एल वाई और लगा दें तो आपका ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल से क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली बन जाएगा, ठीक है। और इसी के सामने अगर आप एक और कुछ आप ग्रुप जोड़ दें एक, ठीक है, इसका लेटर का, तो इससे क्या बन जाएगा, अनब्यूटीफुली, अनब्यूटीफुली। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है। आप यह कह सकते हैं कोई शब्द भी आपका हो सकता है वो, आप जब भी किसी रूट वर्ड के सामने इन चीज़ों का यूज़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। और इन अब यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट बात करें जो ये फुल है, ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट्स आगे हम बात करें ये एल वाई जो है, ठीक है, और यहाँ पर जो अन है, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, अफिक्स कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको हिंदी के हिसाब से समझें तो हिंदी के हिसाब से इसको आप कह सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का एक दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं अफिक्स। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिएगा थोड़ा हिंदी के हिसाब से हम इसको जानेंगे, तो यहां तक अफिक्स को आप समझ पाए होंगे कि अफिक्स को स्टूडेंट्स आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड अफिक्स इनटू टू पार्ट्स। किसी भी अफिक्स को आप दो भागों में आगे बांट लें तो उसमें आपका पहला हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या, प्रेफिक्स। तो इससे आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, है तो ये भी अफिक्स ही, एक ऐसी अफिक्स जिसको स्टूडेंट आपको ध्यान रखना, एक ऐसी अफिक्स जिसको किसी रूट वर्ड के शुरू में जोड़ा जाए। प्री का मतलब आप जानते हैं पहले, फिर भी आपको ना याद है तो पी से पहले, पी से आप समझ ले पहले, ठीक है, और यानी कि जो किसी भी वर्ड के शुरू में जोड़ा जाए। तो आप जानते हैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट्स, वो है एक प्रॉपर, ठीक है। और अगर इसी से हमें एक नया वर्ड बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं इम और फिर कर देते हैं स्टूडेंट प्रॉपर, तो आपके पास एक नया वर्ड जो बन कर आएगा वो बन जाएगा इम्प्रॉपर, यानी कि जो बिल्कुल अपोजिट है मीनिंग में प्रॉपर से। तो आप इसी प्रकार से आपके पास एक शब्द है स्टूडेंट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल, इससे आप इसके सामने अगर इम आप प्रीफिक्स लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमें ये जो शब्द आते हैं, ये जो शब्द हमें आते हैं, जो रूट वर्ड हम जानते हैं, उन्हीं से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमारी जो वोकैब में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो शब्दकोश हमें कम आता है उसमें हमारी क्या हो सकती, मदद हो सकती है। और एक चीज़ और आपको ये चीज़ें मदद करेंगी स्टूडेंट्स, अगर आप अफिक्स को अच्छे से जान लेते हैं अर्थात उसके जो पार्ट हैं, प्रीफिक्स को, ठीक है, सफिक्स को, और इनफिक्स इंग्लिश में बहुत रेयरली यूज होते हैं, इनफिक्स का मतलब होता है जो मिडल में आते हैं, वो भी आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इनको अच्छे से अध्ययन करना सीख ले तो आप किसी भी वर्ड के मीनिंग को भी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको अर्थ मिलेंगे यहां पर। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर आपके पास मोस्टली जो आप इसको बांटें अगर प्रीफिक्स को, तो ये आपके पास दो तरह की हो सकती हैं। आप इसको ब्रॉडली थोड़ा समझें तो नेगेटिव प्रीफिक्स, पी प्रीफिक्स हो जाएगा, पी से प्रीफिक्स, और पॉजिटिव प्रीफिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी प्रीफिक्स जो हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी प्रीफिक्स जो वो एक रूट वर्ड को नेगेटिव बना देती हैं। जैसे हमने देखा प्रॉपर नियमित, इम्प्रॉपर हो गया, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल। तो इम जो हम कह सकते हैं कैसी प्रीफिक्स है, नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि जहाँ भी इम आएगा तो जिस वर्ड के साथ वो ऐड होगा उसका नेगेटिव मीनिंग होगा, क्या होगा उसका, नेगेटिव। जैसे कि आपको जब यहाँ पे कहें, अब अगर मैं एन की बात करूं तो आप प्लस में इसके एबल लिखते हैं, तो यानी कि अनेबल, किसी चीज को अनेबल करना, यानी कि उसको अनेबल कर देना, यानी कि इसको चालू कर देना, सुचारू रूप से चालू कर देना। तो ये हम कह सकते हैं ये कि हमारी कैसी है, पॉजिटिव प्रीफिक्स है। तो एक आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी वर्ड का निर्माण कर सकते हैं क्या लगा करके, आप सामने आप एक नया वर्ड ऐड करके या आप कुछ
लेटर्स को ऐड करके या एक लेटर को ऐड करके आप क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स, आप बना सकते हैं एक नया वर्ड, तो आपको इससे सहायता मिलेगी। तो फर्स्ट आप जान सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा पहला है अफिक्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक नया वर्ड बना सकते हैं, और अफिक्स में भी क्या प्रीफिक्स, और एक मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहीं पर लिख लेते हैं सेकेंड भी ताकि आपको समझ में आ जाए, एक हम क्या सफिक्स। सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम ऐड करते हैं बिल्कुल अपोजिट है, जिसको लेटर ऐसा लेबल जो रूट वर्ड है ना जिसको हम शुरू में ऐड करते हैं, प्री मैंने पहले और पैसे पहले रखें, और एस अगर आप यास नहीं रख सकते सफिक्स को, सफिक्स समझो है ऐसे करें समाप्ति पर, अर्थात कह सकते हैं ऐसा कोई वर्णों का समूह या ऐसा कोई आपका लेटर जिसको स्टूडेंट्स हम ऐड करते हैं किसी भी रूट वर्ड के अंत में, तो आप जैसे लगा सकते हैं सर स्टूडेंट्स। देखिए अभी एक होम वर्ड मेरे पास है, मैं उसके साथ एक अभी आपको सफिक्स लगा के दिखाता हूं, लस। लस का मतलब होता है के बिना, तो आप देखिएगा इसका एक नया वर्ड बन जाएगा स्टूडेंट्स, होमलेस। क्या बन जाएगा आपके पास यहां पे एक नया वर्ड, होमलेस, यानी कि घरविहीन, यानी कि लस ऐसी नेगेटिव आप कैसे सफिक्स है जिसको स्टूडेंट आप क्या करते हैं, जो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट उसको यूज करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको मैं जैसे मैंने बताया है कि एक आध और उदाहरण लेते हैं यहां पे, देखो फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्लो, स्लो से स्टूडेंट आपने बनाया यहाँ पे, हम स्लो के बाद अगर ऐड कर देते हैं एल वाई तो आपका नया जो वर्ड बनेगा वो बनेगा स्लोली। क्या बन जाएगा, स्लोली, धीरे से, जबकि स्लो का मतलब है स्टूडेंट धीरे और स्लोली का मतलब है धीरे से। तो स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान के लिए थोड़ा सा बता दूँ आपको कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास प्रीफिक्स नेगेटिव और पॉजिटिव हैं इसी प्रकार से हमारे पास जो सफिक्स है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा डेरिवेशनल और एक होता है हमारा इन्फ्लेक्शनल, और आप चाहें तो ऐसा कह ले क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग। स्टूडेंट्स बहुत सारी सफिक्स ऐसी हैं जो क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग में आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपको यहां पे मैं थोड़ा सा लिखता हूं आपके लिए, एक पहले नाउन आपने सुना है ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने वर्ब भी सुना है, और स्टूडेंट आपने एडवर्ब भी सुना है ठीक है, और एडजेक्टिव भी सुना है स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बहुत सारी सफिक्स ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो हमारे मतलब ऐड तो हो जाएंगी बाद में, जैसे हम एग्जांपल के लिए लें, अगर मैं यहाँ पे एक बॉय लिखता हूँ बॉय, अगर उसके बाद एस लगा देता हूँ तो बॉय का बन जाता है बॉयज, शब्द तो हमारे पास एक नया आ गया कि बॉय लड़का, बॉयज लड़के, शब्द तो हमने नया सीख लिया, लेकिन आप ध्यान रखना कि बॉय भी नाउन है और बॉयज भी क्या है, नाउन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो एस हमारा है वो सफिक्स कौन सी है, क्लास मेंटेनिंग है, क्लास मेंटेनिंग है, जिसको इन्फ्लेक्शनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कहा जाता है, अर्थात जिसमें क्लास चेंज नहीं होती है, अर्थात यानी कि जो रूट वर्ड जो भी कैटेगरी में, अर्थात जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आता है उससे जो नया वर्ड बनेगा तो वो भी उसी कैटेगरी का होगा। अगर रूट वर्ड नाउन है तो उसके बाद जो नई प्रोडक्शन होगी वो भी क्या होगी, नाउन होगी। जबकि इन्फ्लेक्शनल जो के अलावा जो हमने डेरिवेशन की बात की है, डेरिवेशनल में स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाती है, क्लास चेंज हो जाती है। जैसे आप यहां पे एग्जांपल लीजिएगा, स्लो एक एडजेक्टिव है, जबकि एलवाई लगने के बाद अब जो स्लोली एक नया वर्ड हमारे पास आया है वो है आपका एडवर्ब, उसको आप समझे, एक स्लो मैंने धीरे और स्लोली धीरे से। जैसे आप एडजेक्टिव की पहचान कैसे करें, उसको नाउन से पहले आप लगा के देख ले, अगर वो सेट बैठता है तो ठीक है वो एडजेक्टिव है। क्या था, स्लो बॉय यानी कि धीमा बच्चा, यानी कि वो धीमे से याद करता है, धीमे चलता, जो भी उसकी गति के अनुसार आप कहते हैं, और कहे ही वॉक स्लोली, वो धीरे से चलता है, यहां पे चलने को प्रभावित किया है स्लोली ने, तो आप कह सकते हैं कि स्लो से हमने क्लास चेंज करके एक नया वर्ड बना लिया जो कि एडवर्ब है। तो आपको यहां से भी थोड़ा समझ में आ गया होगा, प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स जो हमारी होती है वो आती है किसी रूट वर्ड के सामने और सफिक्स आती है रूट वर्ड के बाद, और आप जान गए हैं कि प्रीफिक्स होती है हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव, और जबकि सफिक्स हमारी होती है क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग, जिसको हम कहते हैं क्लास चेंजिंग को हम कहते हैं डेरिवेशनल, और कहते हैं इन्फ्लेक्शनल को कहते हैं क्लास मेंटेनिंग, क्योंकि उसमें क्लास चेंज नहीं होती है। तो एक तरीका आप सीख गए हैं कि एक किस तरीके से हम अफिक्स का यूज करके नए वर्ड बना सकते हैं, बशर्ते हमें अफिक्स को आना, हमें उनको याद करना, उनका यूज करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अन के लगाने से हमारे पास जो नया वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा। अब स्टूडेंट्स करते हैं सेकेंड जो तरीका है वो क्या है, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सेकेंड
रूल कि आप कैसे एक नए वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। सेकंड आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पे आप रख सकते हैं अफिक्स का यूज करने के बाद कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि दो रूट वर्ड को मिलाकर के आप एक नया वर्ड बना सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, आपके पास लेडी एक वर्ड है और एक आपके पास रूट वर्ड है डॉक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, लेडी डॉक्टर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं स्के। इस प्रकार से दो, जब नए रूट वर्ड्स को, जो दो डिफरेंट रूट वर्ड को मिलाकर के आप एक नया वर्ड बना सकते हैं जिससे आपकी वोकैब बढ़ जाएगी। ऐसा कोई नहीं होगा आप में से जो लेडी को नहीं जानता, डॉक्टर को नहीं जानता, और उसको हम मिलाकर के एक हम वर्ड बना सकते हैं, लेडी डॉक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार और एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं जैसे ड्रॉइंग आपको पता ही है, और इसके साथ हम जोड़ देते हैं रूम, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ड्राइंग रूम। क्या बन जाएगा आपका, ड्राइंग रूम। एक आपके पास नया वर्ड आपके सामने आ गया है, वो है ड्राइंग रूम, ठीक है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेक आपके पास एक वर्ड है और आप इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, फास्ट, और इनको मिलाने के बाद एक नया वर्ड मिलेगा आपके पास, वो होगा ब्रेक, ब्रेक फास्ट, ब्रेकफास्ट, जो एक नया वर्ड बना है। तो इस प्रकार से आप दो स्वतंत्र रूट वर्डों को जोड़ करके भी क्या कर सकते हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। पहला अफिक्स के साथ, यानी कि प्रेफिक्स सफिक्स लगा करके हम क्या करते हैं, नया वर्ड बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, दो रूट वर्ड को भी आपस में मिला करके क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स, एक नए शब्द का, एक नए वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब थर्ड को समझते हैं। थर्ड पे हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पे देखिएगा, अब थर्ड पे करते हैं स्टूडेंट्स, अब मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है जब दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बना लिया जाए, उसको हम कहेंगे मर्जिंग। क्या कहेंगे, मर्जिंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि दोनों को हम, दोनों का वजूद जिंदा नहीं रखेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे आप जब भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ मिठाई बनाते हैं, दो चीज़ों को मिला करके और एक बना देते हैं, तो इसी प्रकार से मर्जिंग होगी। तो मर्जिंग का मतलब जब दो वर्ड को मिला करके एक नया वर्ड का निर्माण किया जाए, उसको हम बोलते हैं मर्जिंग। तो उससे भी आप सीख सकते हैं, एक वर्ड है होटल फॉर मोटरिस्ट, जो स्टूडेंट होटल होता है मोटरिस्ट के लिए, उसके लिए एक नया शब्द इन दोनों को मिला के बना गया है, क्या बना दिया है, मोटेल। एक नया वर्ड आप इन दोनों से मिलाकर बना सकते हैं, मोटेल। इसी प्रकार से ब्रेकफास्ट, और जब लंच, एंड लंच, इन दोनों को मिलाकर के भी एक नया वर्ड बनाया है, लंच। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप सीख सकते हैं कि दो स्वतंत्र शब्दों को मिलाकर के या दो रूट वर्ड्स को मिलाकर के भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे होटल और क्या, मोटरिस्ट को मिलाकर बना है, क्या बना है, जैसे हम देख सकते हैं मोटरिस्ट का हमने क्या लिया है, एम ओ लिया है, और क्या है, होटल का हमने क्या लिया है, चेल लिया, तो ये बन गया मोटेल। अभी ब्रेकफास्ट में आप देखें तो आप क्या है, बी आर से हमने क्या लिया है, ब्रेकफास्ट का बी आर लिया है, और लंच का यू एन सी एच लिया है, तो इसलिए ब्रंच एक शब्द हमारे पास आ गया। अर्थात ऐसी स्थिति जब हम दोनों को मिला करके करते हैं, सुबह का खाना लेट हो जाए तो दोपहर के खाने के साथ मिक्स, तो इस प्रकार से हो जाएगा ब्रंच। तो स्टूडेंट इस प्रकार से भी आप सीख सकते हैं। अब लास्ट वे है हमारे पास स्टूडेंट, फोर्थ वे में हम बात कर लेते हैं। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द फोर्थ वे, और फोर्थ वे है स्टूडेंट्स कटिंग एंड क्लिपिंग। कटिंग कह सकते हैं, कटिंग ही कह लें, कटिंग एंड क्लिपिंग आप चाहे कहना चाहे तो कह सकते हैं। कटिंग एंड क्लिपिंग में देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे करते हैं, कटिंग एंड क्लिपिंग में आपके पास है जैसे टेलीफोन, हमने क्या किया, टैली को छोड़ करके इसमें से एक नया वर्ड बनाया,
फॉर्म। तो इस प्रकार से कटिंग और क्लिपिंग में क्या होता है कि आपके पास दो रूट वर्ड हैं और उनमें से क्या उनके साथ उनको मिलाकर के एक शब्द बनाया गया है, तो इसमें से क्या है एक रूट वर्ड को वहां से हटा देना और उसे एक नया शब्द बना लेना, वो क्या कहलाएगा कटिंग एंड क्लिपिंग। तो इस प्रकार से भी स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे टीनेजर्स, इससे भी एक नया शब्द बना लिया टिन्स, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप यहां से इस चारों के चारों तरीके आप समझ गए होंगे कि पहले हम क्या कर सकते हैं, अफिक्स से बना सकते हैं कोई नया वर्ड, अफिक्स में आपको बताया कि सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आफ्टर दैट आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, अर्थात दो शब्दों को दो रूट वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं कि दो रूट वर्ड को मर्ज करके स्वतंत्र शब्दों को मर्ज करके भी आप क्या एक नया वर्ड बना सकते हैं, एक नया शब्द बना सकते हैं। और क्या हो सकता है अभी लास्ट में हमने क्या कटिंग एंड क्लिपिंग, अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल और ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और उसमें किस किस चीज का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स टू मेक दिस टॉपिक मोर क्लियर वी आर गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड उनसे समझेंगे किस प्रकार से हम कुछ नए वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे कि हमने सीखा था अफिक्स के माध्यम से, क्योंकि दोनों किसके पार्ट है अफिक्स के पार्ट है, दीज आर कॉल्ड अफिक्सेस, बोथ आर द पार्ट ऑफ अफिक्सेस। तो सबसे पहले हमने लिया कि मैंने यहां पे लिखा है अन, अन से हम शुरुआत करते हैं, अन के साथ हम जोड़ते हैं एक शब्द एल यू सी के वाई अनलकी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है यहां पर आपको ध्यान देना, तो आपके पास एक नया वर्ड बनेगा अनलकी। तो आप थोड़ा सा इसको यहां से समझ सकते हैं कि अन जो लगता है ना जिसके साथ भी उसका मीनिंग क्या बनाता है नेगेटिव, और इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव प्रीफिक्स। आप यहां पे जरा सा समझेंगे स्टूडेंट्स, जरा समझेंगे तो देखेंगे कि लक के अंदर पहले से ही वाई है जिसको आप कह सकते हैं सफिक्स, क्या कह सकते हैं सफिक्स कह सकते हैं। तो यहां पर आपका एक नया वर्ड बना आपका अनलकी। इस प्रकार से इन, ठीक है, अब अगर आपने सुना होगा डिसिप्लिन, तो अगर इससे एक नया वर्ड क्या बनेगा इनडिसिप्लिन, क्या बनेगा स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन, एक नया वर्ड हमारे पास स्टूडेंट बना है अनडिसिप्लिन। सो उसके बाद इम से देखिएगा स्टूडेंट्स, इम से बनेगा आपका, यहां पर हम कर लेते प्रॉपर, तो आपका एक वर्ड बन जाएगा इम्प्रॉपर, क्या बन जाएगा इम प्रॉपर। तो ये अभी तक जो हमने किया है वो क्या है स्टूडेंट्स नेगेटिव प्रीफिक्स है, नेगेटिव मीनिंग दे रही है। इसी प्रकार से डिस के साथ लगा लेते हैं सेटिस्फाई के साथ डिस लगाने से एक नया वर्ड बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा डिस सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाई। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक नया वर्ड बना है डिससेटिस्फाई, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स आपने देखा इम्प्रॉपर डिससेटिस्फाई, एंड यहां से फॉर्म आपको पता है फॉर्म किसी चीज को बनाना, और डिफॉर्म इसका बन जाएगा बिगाड़ना, ठीक है। उसके बाद री का आपको पता है दोबारा, ठीक है, और इसी के सामने मान लीजिए मैंने अपीयर शब्द लिखा, तो आपका एक नया शब्द बनेगा री अपीयर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और एन से आप करेज सी ओ यू आर ए जी ई, तो आपका एक नया वर्ड बनेगा स्टूडेंट्स एनक्रेज, ये आपकी पॉजिटिव है, ये आपकी क्या है पॉजिटिव प्रीफिक्स है। उसके बाद है आपके साथ ये नेगेटिव फिर से है नॉर्मल, ये बन जाएगा अबनॉर्मल। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप कुछ नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, किसका यूज करके प्रीफिक्स का यूज करके। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं किसके, अब हम बात करेंगे सफिक्स की, जो कि प्रीफिक्स आती है आगे और सफिक्स आती है किसी रूट वर्ड के बाद। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं केयर, केयर के साथ जोड़ने से बन जाएगा आपका केयरलेस,
यानी कि आपको यहां से पता चल जाएगा कि लस जिसके साथ भी आएगा उसका मीनिंग क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, क्या कर देगा, नेगेटिव। इस प्रकार से आपको पता है अगर केयर के साथ फुल लग जाए तो बन जाएगा केयरफुल, यानी कि काफी सावधानी के साथ करने वाला, केयरफुल। ठीक है, एबल, तो एबल का होता है योग्य, यानी कि आप अगर मैं यहां पर लिख देता हूं रीड, और रीड के साथ लगाने से क्या हो जाएगा, रीडेबल, जिसको क्या किया जा सकता है स्टूडेंट, पढ़ा जा सकता है। यस, तो योग्य, पढ़ने योग्य। और आपको यहां से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और आप यहां से क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता ही है अगर मैं इसको कर दूं टी यू आर एन टर्न, और यहां पे आप क्या करेंगे टर्न्स, आप यहां से ईडी लगा करके बना सकते हैं। यहां पे आपको पता ही है आप कर सकते हैं वेस्ट, वेस्टेज से बन जाएगा आपका वेस्टीज, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वेस्टीज। तो इस प्रकार से आपका नया शब्द बनाएगा, ठीक है, इससे आपका एक नया वर्ड बन जाएगा ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन, और ब्राउनिस, इससे बन जाएगा आपका ब्राउनिस। तो आप इस प्रकार से एक नया वर्ड बना सकते हैं एसम, ठीक है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स है ना, क्रिटिसाइज से बना सकते हैं, क्रिटिसिज्म बना सकते हैं, ठीक है, नेशनलिज्म बना सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लिख लेते हैं नेशनल, ठीक है, और इससे बन जाएगा नेशनलिज्म, एन ए टी आई ओ एन ए एल आई एस एम, तो यहाँ से आपका एक नया वर्ड बन जाएगा नेशनलिज्म। और उसके बाद आपको पता है यहाँ से आप टी आई ओ एन से कितने बना सकते हैं, बहुत सारे आप बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद आपका और बहुत सारे शब्दों के साथ आप कर सकते हैं ऐसा, टी आई ओ एन का यूज़ किया जा सकता है स्टूडेंट्स, जैसे एडुकेट, एडुकेट, तो एडुकेट के साथ सन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये एजुकेशन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप कुछ नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, या कुछ क्या बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करके, या दो रूट वर्ड्स को आपस में मैच करके, जिसको हम क्या कहते हैं कंपाउंडिंग कहते हैं, या क्या करके दो शब्दों को मिलाकर के, आज जो बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द का निर्माण करना, या आप कुछ आपके पास पहले से कोई बड़ा वर्ड है उसमें से क्लिपिंग करके छोटा वर्ड बना करके भी आप क्या कर सकते हैं कुछ शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जिसके ऐसा करने से स्टूडेंट्स आपके पास जो वोकैब की शॉर्टेज है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेज जो है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका अभ्यास होता जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू लर्न न्यू वर्ड्स आल्सो, आप कुछ नए शब्द भी सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसको लाइक भी कर दिया होगा, अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखें, और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक पे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।